नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती लगातार विरोध का सामना कर रही है। राजस्थान के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने भी पद्मावती से जुड़े टकराव से सुलझने तक राज्य में फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया। कई राजनेता भी फिल्म का विरोध कर चुके हैं। ऐसे में एक्टर सलमान खान फिल्म के समर्थन में आगे आए हैं। वह उन्होंने बोला कि देखने से पहले फिल्म के बारे में कोई राय बनाना अच्छा नहीं है। सलमान ने बोला कि भंसाली एक महान फिल्म निर्माता है। सलमान ने कहा, फिल्म पद्मावती देखने से पहले कोई फैसला नहीं करना चाहिए। संजय लीला भंसाली अच्छी फिल्में बनाती हैं व उनकी फिल्मों में कुछ भी गलत नहीं होता है। सलमान ने कहा कि इस बारे में फैसला करने का अधिकार केवल केंद्र सेंसर बोर्ड को है कि फिल्म रिलीज के लिए उपयुक्त है या नहीं। बता दें कि फिल्म में दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती की भूमिका निभा रही है। वहीं शाहिद कपूर रानी पद्मावती के पति राजा रावल रतन सिंह के भूमिका में दिखेंगे। रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में होंगे। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।